नमस्कार दोस्तों, मैं पायलट सुमित एक बार फिर से आप सभी के सामने एक नई वीडियो एक नई जानकारी के साथ। तो दोस्तों, आज की हमारी वीडियो का जो टॉपिक है वो है ALP प्रमोशन। ALP से जुड़े वो सभी प्रमोशन जो कि एक ALP बनने के बाद मिलना शुरू हो जाता है। दोस्तों, इस वीडियो को मैं 3 पार्टों में बनाऊंगा, जिसके पार्ट 1 में हम जानेंगे कि ALP से रिटायरमेंट होने तक वह प्रमोशन जो कि सिर्फ लाइन पर ट्रेन चलाने के दौरान मिलते हैं, और पार्ट 1 की वीडियो में जो भी प्रमोशन है उनका सीधा कार्य ट्रेन के संचालन से है, यानी कि उनका सीधा सीधा कार्य ट्रेन को ऑपरेट लोगों को चलाने से है। इसके बाद पार्ट 2 बनाया जाएगा, पार्ट 3 बनाया जाएगा, और हो सकता है पार्ट 2 और पार्ट 3 को जोड़ के मैं बनाऊँ। क्योंकि अगर बात की जाए सारे प्रमोशन की तो वीडियो बहुत लंबी हो सकती है। और पार्ट 2 में हम जानेंगे कि क्या ALP सिर्फ ट्रेन चलाने की ही ड्यूटी करते हैं। कहने का मीन्स मेरा यहाँ पे ये है, जिस तरह से आपने लॉबी, कंट्रोल रूम है ना, या ऑफिसों के नाम सुने हैं, तो क्या उनको यहाँ पर ड्यूटी करने का मौका मिल पाता है या नहीं मिल पाता है, तो इसके बारे में। और पार्ट 3 में हम जानेंगे कि लोको कंट्रोलर कौन होते हैं, लोको इंस्पेक्टर कौन होते हैं, क्या ALP बनने के बाद में अधिकारी बनने तक का प्रमोशन मतलब डिपार्टमेंटली एग्जाम से मौका मिल पाता है या नहीं, इस बारे में बात करी जाएगी पार्ट 3 में। तो चलिए, यह वीडियो ALP के प्रमोशन की पार्ट 1 वीडियो है, तो उसी के बारे में बात करते हैं। तो दोस्तों, जो भी साथी RRB के चयन प्रक्रिया को पूरी करके जब वह ALP की ट्रेनिंग को समाप्त करके अपना हेडक्वार्टर डिप्यूट पे जाता है, तो उसका पहला पद जो होता है, प्रथम पद जो मिल रहा होता है, वो ALP होता है, यानी कि असिस्टेंट लोको पायलट का पद मिल जाता है। अब चाहे वो डीजल में हो या इलेक्ट्रिक में हो, लेकिन जो प्रमोशन करके उनको पोस्ट मिल रही होती है, जिस तरीके से ALP डीजल के लिए भी ALP ही कहा जाता है, इलेक्ट्रिक के लिए भी ALP, इसी तरह से आने वाले प्रमोशनों में भी उनका सेम नेम रहेगा। कहने में से आए पोस्ट नेम चेंज नहीं होगा। तो सबसे पहली बात करते हैं, सबसे पहला जो आता है, जो हमारा पॉइंट्स 1 है, मतलब पॉइंट्स नंबर 1 से बात करते हैं, तो वो ALP का ही पद है। तो थोड़ी सी बात मैं यहाँ पे इसको कर लूँगा। तो ALP पेमेंट के अनुसार अगर बात की जाए तो 5200 से 20200 है, और ग्रेड पे ALP का 1900 रुपये है। अगर यहाँ हम 7th पे की टेबल को लें तो हमारे सामने ALP की जो बेसिक पेमेंट जो मिल रही होती है, वो यहाँ पे स्टार्टिंग पेमेंट होती है 19900 रुपये हो जाती है। और अगर लेवल 2 के अकॉर्डिंग बात करें, ये लेवल 2 की होती है, और 7th पेमेंट लेवल 1 से स्टार्टिंग होती है, जिसको ग्रेड ग्रुप डी कहते हैं, और लेवल 2 जो है वो आपका ग्रुप सी में आ जाता है। प्रमोशन पॉइंट नंबर 2, सीनियर ALP। अब ALP के बाद में अगर अगला पद जो है भारतीय रेलवे में प्रमोशन के अकॉर्डिंग बात की जाए, सीनियर ALP का है, जिसको हम लोग सीनियर असिस्टेंट लोको पायलट को कहते हैं। अब इसके ग्रेड पे की बात की जाए तो जिसका ग्रेड पे 2400 होता है, ALP का 1900, और सीनियर ALP का 2400 होता है, ठीक। और पेमेंट की अगर बात की जाए तो पेमेंट यहाँ पे 5200 से 20200 का ही रहता है। अब यहाँ पे इसको हम 7th पे मैट्रिक्स जो है आपकी 7th पे की जो टेबल है उसके अकॉर्डिंग अगर देखें तो सीनियर ALP जो आता है लेवल 4 में आता है, और इस पद के मिलने पर ALP की स्टार्टिंग पेमेंट जो होती है, सीनियर ALP की स्टार्टिंग पेमेंट 25500 रुपये हो जाती है। अब बात करी जाए कि ALP बनने के कितने समय बाद सीनियर ALP का पद मिल जाता है, तो कम से कम यहाँ 2 वर्ष के बाद में आपको सीनियर ALP का पद मिल जाता है। प्रमोशन पॉइंट नंबर 3, LPS, जिसको लोको पायलट सेंटर ग्रेड 2, यहाँ पे ग्रेड 2 और ग्रेड 1 की बात की जाएगी, समझिएगा। तो सीनियर ALP बनने के बाद अब अगला प्रमोशन जो मिलेगा वो आपको लोको पायलट सेंटर ग्रेड 2 का मिलेगा। अब इस प्रमोशन में आपकी ग्रेड पे पेमेंट सब सीनियर ALP वाली ही रहेगी। कहने का मीन्स यहाँ ये, आप लेवल 4 के ही एम्प्लॉय रहेंगे, बस फर्क यहाँ जो आता है वो LPS की ड्यूटी का आता है। ALP एंड सीनियर ALP से अलग हो जाती है। ALP और सीनियर ALP को ट्रेन की मूवमेंट या इंजन चलाने की परमिशन नहीं होती। जब आप LPS यानी लोको पायलट सेंटर बन जाते हैं तो आपको ट्रेन के मूवमेंट करने की परमिशन मिल जाती है, ट्रेन चलाने की अनुमति मिलती है। मगर यह ट्रेन आप एक स्टेशन पर ही, कहने का मीन्स यह जिस स्टेशन पर आपकी ड्यूटी है उसी स्टेशन के स्टेशन सेक्शन में ही चलाने को दी जाती है। आपको किसी एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन तक ट्रेन चलाने नहीं दी जाएगी, सिर्फ एक ही स्टेशन पर आपको उस स्टेशन पर अपनी ड्यूटी पूरी करनी होती है। यह ट्रेन चलाने का जो आपको मिलता है कार्य, उसको शंटिंग कार्य या रैक प्लेसमेंट कह सकते हैं। तो जैसा कि लोको पायलट सेंटर के नाम में ही
आप ध्यान से देखेंगे तो आप समझ पाएंगे कि यहाँ से LPS नाम शुरू होता है, यानी यहाँ से A हटा दिया गया जो असिस्टेंट का जिक्र किया जा रहा था, असिस्टेंट लोको पायलट और सीनियर असिस्टेंट लोको पायलट। तो यानी इन दोनों पदों पर आपको ट्रेन चलाने नहीं दी जा रही थी, वहाँ पे आपको सहायता की तरह ड्यूटी करनी थी। अब वो नाम हटने से अब आपका जो डेजिग्नेशन का नेम है वो आपका लोको पायलट सेंटर, यानी कि लोको पायलट सेंटर है, सहायक नहीं है। और दूसरी तरफ आप देखते हैं लास्ट में यहाँ पे सेंटर का जिक्र होता है, यानी कि सेंटर मीन्स यहाँ पे आपका सेंटिंग संबंधित कार्य करने से है, यानी कि आप वो एक ही स्टेशन पे रहना है, उसी स्टेशन पे होने वाली सेंटिंग को अपने इंजन से, चाहे वो इलेक्ट्रिक का हो या डीजल का हो, उससे आपको सेंटिंग करनी है। तो ये आप समझ पाएंगे कि ये LPS की जो परिभाषा जो मैंने समझाने की कोशिश करी है। अब समझना चाहें तो क्या यह ड्यूटी जब एक ही स्टेशन पर हो रही है तो कितने घंटे की होती है? LPS की ड्यूटी शिफ्ट वाइज होती है, मतलब 8-8 घंटे की शिफ्ट में बांट दी जाती है जिस स्टेशन पर LPS रखे जाते हैं। जैसे कि आपने बहुत बार देखा होगा कि जब कोई भी ट्रेन अपने लास्ट स्टेशन पर पहुंच जाती है तो वहां वह ट्रेन पूरी तरह खाली हो जाती है और उस ट्रेन के लोको पायलट और सहायक लोको पायलट उस गाड़ी का लोको पायलट सेंटर जो है LPS है उसको हैंड ओवर कर देते हैं उस गाड़ी का पूरा चार्ज, और उसके बाद वह अपने लॉबी रनिंग रूम की तरफ चल देते हैं। फिर जो ड्यूटी शुरू होती है वो लोको पायलट सेंटर की शुरू होती है, और लोको पायलट सेंटर इस गाड़ी का चार्ज लेने के बाद में सेंट सिग्नल के ऑफ होने पे उस गाड़ी को जो प्लेटफॉर्म घेर के खड़ी, मतलब जो प्लेटफॉर्म पे खड़ी थी सवारी गाड़ी, उसे प्लेटफॉर्म लाइन से उठाकर उसी स्टेशन के अन्य जो लाइन है जिसको यूज नहीं किया जा रहा, जिसको हम यार्ड में कह देते हैं, यार्ड में प्लेस करा दिया जाएगा। तो ये तो रही ड्यूटी LPS की सवारी गाड़ी वाली। अब कुछ इसी तरीके से कुछ स्टेशनों पर जहाँ सवारी गाड़ियों के नहीं होते, जहाँ लास्ट स्टॉपेज की मैंने बात करी थी, तो वहाँ माल गाड़ियों की संटिंग जैसे होती है तो वहाँ पे भी सेम यही कार्य होता है। जब उनकी गाड़ी माल गाड़ी जो गुड्स ट्रेन होती है अपने लास्ट स्टेशन जिस स्टेशन के नाम से वो गुड्स या कोयला जा रहा है या लोहा जा रहा है जो भी जा रहा है वो वहाँ पहुँच जाता है, तो लोको पायलट सेंटर उस गाड़ी का चार्ज ले लेते हैं और उस गाड़ी को जहाँ पे उसको जो गुड्स है उतरवाना है, जिस लाइन पे ले जाना है, वो सारा कार्य लोको पायलट सेंटर के द्वारा ही किया जाता है। और ये सारा कार्य उनकी अपनी एक शिफ्ट होती है, 8 घंटे की जो शिफ्ट होती है उसके तहत ही किया जाता है। तो एक ये कहा जाता है कि जो लोको पायलट सेंटर का बीच का जो पीरियड होता है, ये वाला जो ड्यूटी होती है उसे गोल्डन पीरियड मानते हैं, क्योंकि उस बीच में वो ड्यूटी के बाद अपने घर जाने का मौका मिल पाता है। बाकी अदर्स ड्यूटी जैसे मैंने ALP की, सीनियर ALP या LPS यानी सेंटर के बाद में जो पद आएंगे उन सब में आपको ट्रेन संचालन यानी एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन करना होता है तो आपको घर से बाहर ही ज़्यादा वक्त गुजरता है। तो ये वाला पीरियड को ज़्यादातर गुड्स पीरियड, मतलब गुड अच्छा पीरियड मानते हैं। और अब बात करी जाए क्या LPS को, LPS के अलावा भी एक और नाम दिया जाता है जिसको हम लोग ET कह देते हैं, और तो ये शॉर्ट में नाम होता है, ET भी कह देते हैं। तो ये हुई इसकी लोको पायलट सेंटर ग्रेड 2 की बात। पेमेंट पे मैट्रिक्स के अकॉर्डिंग बात की जाए तो ये आपकी सीनियर LPS के बराबर होती है। प्रमोशन पॉइंट नंबर 4th, लोको पायलट सेंटर ग्रेड 1। तो यहाँ पे LPS ग्रेड 2 का अभी तक हमने जाना था, है ना, ग्रेड 2 के बारे में, जो कि सीनियर ALP के बराबर ही होता है। तो अब बात करते हैं कि LPS ग्रेड 1 जो सीनियर्स में आ जाते हैं, तो यहाँ पे हम पेमेंट के अकॉर्डिंग बात की जाए तो यहाँ पे जो पेमेंट है वो 9,300 रुपये से लेकर 34,800 तथा ग्रेड पे की अगर बात की जाए तो वो 4200 ग्रेड पे हो जाता है। और अगर यहाँ पे जो 7th पे के टेबल उठाते हैं तो उस टेबल के अकॉर्डिंग लोको पायलट सेंटर ग्रेड 1 की स्टार्टिंग पेमेंट जो है वो 35,400 होती है। और साथ ही साथ अगर लेवल की बात की जाए तो ये लेवल आपके 6th लेवल में पोस्ट आ जाती है। हालांकि LPS के पद जो हैं, जो मैंने बात करी है लोको पायलट सेंटर के, ये पद सभी जोन्स में नहीं होते। लोको पायलट सेंटर ग्रेड 2 से लोको पायलट सेंटर ग्रेड 1 बनने के बीच के अगर नियम शर्तों की बात की जाए, जिस प्रकार से असिस्टेंट लोको पायलट से सीनियर असिस्टेंट लोको पायलट बनने के लिए कम से कम 2 वर्षों का होना जरूरी था, ठीक इसी प्रकार से यहाँ LPS ग्रेड 2 से LPS ग्रेड 1 बनने के लिए आपका 2 वर्ष की आपकी ड्यूटी होना जरूरी है। अगर इस बीच में कोई भी लोको पायलट गुड्स का प्रमोशन नहीं आया तो आपको लोको पायलट गुड्स की जो भी पेमेंट होती है वो आपको सीनियर LPS बनाकर दे दी जाती हैं। और जो लोको पायलट सेंटर ग्रेड 1 की जो भी पेमेंट होती है, मतलब बेसिक की बात की जा रही है यहाँ पे, बेसिक ग्रेड पे और लेवल की, वो आपके लोको पायलट गुड्स की ही होती हैं। अब बात करें नेक्स्ट प्रमोशन की, तो प्रमोशन नंबर पॉइंट नंबर 5 की बात की जाए तो LPS ग्रेड 2 के बाद ही अब आपको LPG के, जैसे मैं बात कर रहा था, लोको पायलट गुड्स का प्रमोशन मिल जाता है।
हालांकि जो लोको पायलट गुड्स का प्रमोशन होता है वो हमारा LPS जो कि ग्रेड टू के बाद ही मिल जाता है, किसी किसी विशेष परिस्थिति में ही प्रमोशन ना होने की वजह से या लंबा गैप हो जाने की वजह से वहाँ पर LPS ग्रेड टू को ग्रेड वन यानी कि सीनियर LPS बनाया जाएगा। लेकिन अधिकांश तौर पर अगर देखा जाए तो बात यह है कि LPS ग्रेड टू के बाद ही आपको लोको पायलट गुड्स का प्रमोशन मिल जाएगा। अब बात करिए यहाँ पे पेमेंट की, तो पेमेंट वो वही यहाँ पे वही था 9,300 रुपये से लेकर 34,800 का, और ग्रेड पे जो है वो 4,200 है। और इसको सेवन पे में अगर बात किया तो यहाँ पे हमारी जो पोस्ट का जो लेवल के अकॉर्डिंग बात की जाए, ये पोस्ट हमारी लेवल 6 की आती है, और स्टार्टिंग पेमेंट की जो बात की जाए यहाँ पे 35,400 दी जाएगी। अब थोड़ी सी बात की जाएगी कार्य से। अब LPG बनने के बाद में अब आपको जो लोको पायलट सेंटर में एक स्टेशन पे गाड़ी चलाने को दी जा रही थी, लेकिन LPG बन जाने के बाद में आपको एक स्टेशन से लेकर अपनी वो गुड्स ट्रेन यानी कि लोको पायलट गुड्स मालगाड़ी का चालक है ना, तो गुड्स ट्रेन लेके आपको दूसरे स्टेशन तक जानी होती है। साथ ही के साथ में अब आपको एक असिस्टेंट साथ में आपके इंजन पर रहते हैं जो आपके ट्रेन संचालन में सहायता करने के लिए साथ में मौजूद रहते हैं। तो अभी तक हमने सहायक लोको पायलट यानी ALP से लोको पायलट गुड्स यानी कि मालगाड़ी के चालक तक की बात कर ली, तो ये सारे प्रमोशन यहाँ तक आ गए। अब इसके बाद में जो होता है ये मालगाड़ी यानी गुड्स ट्रेन, उसके बाद सवारी गाड़ी, पैसेंजर ट्रेन, लोकल ट्रेन है ना, उसके बाद राजधानी शताब्दी का सिक्योर, सब यहाँ से शुरू हो जाएगा। तो अब बात करते हैं लोको पायलट प्रमोशन पॉइंट नंबर 6, लोको पायलट पैसेंजर्स इन शॉर्ट में बात करें LPP बैड ड्राइवर, जो कि लोकल ट्रेन या EMU ट्रेन को चलाने वाला होता है। मालगाड़ी के ड्राइवर बनने के बाद में आपको अगला प्रमोशन सवारी गाड़ी के लोको पायलट का मिलता है। अब यहाँ पर बात की जाए सवारी गाड़ियाँ या सवारी ट्रेन वह कौन सी होंगी, वह सभी लोकल ट्रेन है, EMU ट्रेन है और मेमो ट्रेन है जो होती हैं सबअर्बन ट्रेन चलाने को दी जाती हैं। ठीक, अब यहाँ पेमेंट की बात की जाए, ग्रेड पे की बात करें तो सारा का सारा वही सेम चलेगा, 9,300 पेमेंट जो था उसी में आपका है ना, और जो ग्रेड पे था वही 4,200 चलता रहेगा। अब लोको पायलट पैसेंजर का ये प्रमोशन हो गया। अब प्रमोशन पॉइंट नंबर 7 जो कि LPM होता है, लोको पायलट मेल यानी कि वह चालक या वह ड्राइवर जो कि मेल ट्रेन यानी एक्सप्रेस, सुपरफास्ट, राजधानी शताब्दी इन सारी ट्रेनों को चलाने वाले होते हैं। LPP यानी लोको पायलट पैसेंजर बनने के बाद में अब यह अगला प्रमोशन LPM यानी कि लोको पायलट मेल का मिलता है, और जहां LPP यानी लोकल ट्रेन चलाने वाले होते हैं। अब बात करिए LPM बनने के बाद में आपको कौन सी ट्रेन मिल रही होती हैं, यानी यहां पे आपको ट्रेन LPM बनने के बाद में मिलेंगी सवारी गाड़ियों से जुड़ी हुई कौन कौन सी, एक्सप्रेस, सुपरफास्ट, शताब्दी, राजधानी, हाई स्पीड ट्रेन है या जो भी जो ICF LHB कोचेज की जो भी ट्रेन है चल रही होती है वो सारी ट्रेन आपको चलाने को दी जाती हैं। अब बात की जाएगी यहाँ पे जो मैंने बात की थी ट्रेन संचालन से जुड़े हुए सीधे सीधे ये पद थे, और रिटायरमेंट ही तक ये अगर बात की जाएगी ये लास्ट पद है लोको पायलट मेल, इसके आगे कोई पद नहीं होता है, इसके आगे कोई प्रमोशन नहीं होता है ना। इसके अलावा जो मैंने पार्ट 2 पार्ट 3 की बात की उनमें हम जानेंगे और किस किस तरीके से होते हैं। अगर मैं पार्ट बी और पार्ट जो सेकंड और थर्ड को मैं जोड़ लेता तो वीडियो की लेंथ उम्मीद से ज़्यादा लंबी हो सकती थी, तो इसी हिसाब से वीडियो में यहीं समाप्त करना चाहूँगा। और अगर वीडियो अच्छी लगती है, दी गई जानकारी अगर आपको पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, और अगर चैनल पर पहली बार है तो इस तरीके की और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो इसी के साथ ये वीडियो यहीं समाप्त करते हैं, और चैनल पर बने रहने के लिए एक बार फिर से आपका तहे दिल से धन्यवाद।